वाह यखो कनो वन वोलमक यखो अंदरी गोलखो यखो ज्यादा पुरानी बात नहीं, जब खवातीन फकीर गुजरी हर वन धारा इलाके से यहाँ गर्मियों के मौसम में बोरी गगल का रुख करती, बर्फ के सिल लेकर आती, खसूस तब जब शदीद गर्मी के दिन कश्मीर को घेरती। ये सच है कि मौसमियाती तब्दीली ने खुद को जाहिर किया और जो यहाँ पर कश्मीर में बर्फानी चोटियाँ हमें नजर आती थी पहले नज़दीक, अब वो दूर नजर आती है। यानी स्नो लाइन जो हमें पहले बहुत नज़दीक दिखती अब वो दूर नजर आती है, जिसने यहाँ कश्मीर में कई आइसक्रीम कंपनियों के लिए राहें हमवार की। तकरीबन 500 से ज़ायद ऐसे यूनिट्स होंगे कश्मीर में जो आइसक्रीम बेचते हैं या आइसक्रीम बनाते हैं, छोटे मोटे यूनिट्स जहां आइसक्रीम तैयार होती है। लेकिन हर एक घर में जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, जिसे लोग शौक से खाना पसंद करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि एतबार इतना कि इसकी बनावट में कोई शुबा नहीं होता, वो है ये मटका आइसक्रीम, जिसे आम जबान में मटका कुल्फी के नाम से जानते हैं। ये घर में आराम से तैयार होती है, इसे बनाना इतना मुश्किल नहीं। दूध, खोया, केसर, इलायची, ड्राई फ्रूट्स और चीनी की मदद से इसे बनाया जाता है और फिर इसे मंजमद करने के लिए बर्फ के सिल इस्तेमाल होते हैं। इसे बनाने के लिए ना तो मशीन्स की जरूरत है, ना किसी बड़ी फैक्ट्री की जरूरत है, इसे लोग घरों में आराम से बना सकते हैं। इसी सिलसिले में हम आज आए हैं बोहरी कदल इलाके में, जो इस एतबार से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। लोग चाहे दफातर से आ रहे हो, बच्चे चाहे स्कूल या कॉलेज से आ रहे हो, तो यहाँ पर वो ज़रूर रुकेंगे। इस गर्मी को, शदीद गर्मी को बात देने के लिए वो यहाँ से ये कुल्फी ज़रूर लेंगे। कुछ ऐसे हैं जो यहीं पर खाएंगे और कुछ ऐसे हैं जो इसको घर लेके जाएंगे। अच्छे बस आप करो बहुत मशीन विशेष पानी शौक बहुत लोकत कम दिन तकरीबन वो पांच शत पे कान पांच शत पे चौखने गर सी गापस वापस गाड़ी खड़ी पकान वो मोहन वही अनान तो तुम गरस मा ना गो गस वापस पे वो बच्चे मे तुम पुन पुन कार पकान बुजर्ग अख तम तम कम से कम तम से सप्त पे पांच हत पे कहीं तक नमत तम तो तम पे आज बे तस गो नफर ये कुल्फी कुल ना गुलाम अहमद बुड पे गुजरे सो नमत मे कर वे मान ऐसा बच्चे वनस वन मे कर मगर मे सी मजदूर हे त्रवि कि
तरह की कई दुकानें यहाँ पर सजी हैं, जहाँ पर कई सारे लोग इस एक मखसूस बिजनेस के साथ वाबस्ता है। गर्मियों के मौसम में मटका कुल्फी बेचते हैं। शुमारा किए मतलब तौर से अगर यहाँ रूद लग ना हत मन से ची यूत गर्मी से ना गान खान ना सह बह सा खेम आइसक्रीम बह सा खेम आइसक्रीम क्या अगर तेज जूस आन या कह वन ना बहुत सी तो आइसक्रीम खेम मतलब ये पे मतलब मतलब कस्टमर वो कुछ मतलब ये आइसक्रीम है सफाई। इस जगह का नाम लें और गुलाम अहमद बुद्धा का नाम न लें तो मेरे ख्याल से ये जो स्टोरी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये शायद इनकम्प्लीट है, अधूरी है। एक ऐसे शख्स वो भी इसी एक बिजनेस के साथ मुंसलिक थे, काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। तब 1950-1960 के दौर में जब वो कुल्फी बनाया करते तो लोगों को चनारों के पत्तों पर सर्व किया करते और उस वक्त के पॉलिटिशियन उसकी दुकान की ओर रुख करते, शदीद गर्मी में उनके पास कुल्फी खाने के लिए आते। जो कुल्फी बेचने वाले हैं वो लोग अक्सर उस शख्स का जिक्र करते कि गुलाम अहमद बुद्धा जो यहाँ से गुजरे हैं उनसे हमने इस कुल्फी को बनाना सीखा है। पहले पहले तो नहीं, लेकिन आज अब इसमें नूडल्स का भी इस्तेमाल होता है, यानी जब आप को आइसक्रीम सर्व की जाती उसके ऊपर नूडल्स का इंक्लूजन जरूर होता। कुल्फी की जो तारीख है, कई मौरख ये कहते हैं कि ये 16वीं सदी की देन है, यानी 16वीं सदी के दौरान मुगल्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया। इसकी कीमत वैरी करती है, आज इस दौर में महंगाई का दौर है तो जाहिर सी बात है जो इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं वो भी महंगे दामों पर वो खरीदते होंगे। आज से कुछ दहाई कबल यहाँ पर जितनी दुकानें हैं भोरी कदल इलाके में, हर एक जिस दुकान पर भी आप जाएंगे जो मटका आइसक्रीम या मटका कुल्फी बेचते हैं, हर एक की अपनी अपनी रेसिपी थी जो वो रेसिपी कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया करते। यानी अगर आप किसी भी दुकानदार के पास जाते आपको कहीं पर भी सेम टेस्ट नहीं मिलता, हर एक दुकान से आपको अलग टेस्ट मिलता। लेकिन अब इस वक्त टेक्नोलॉजी में इंटरनेट की देन है तो इंटरनेट पर इस ताल्लुक से रेसिपी आराम से मिल जाती है, कोई भी घर बैठ के बना सकता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। लड़के मे हान पे दमाग यह कम आज ग्राम आज नरूज गुरूज वन कम अज कम दह कह खुदा सज रही बहुत तमें हत ज्यादा वह कनान क्या मे फर्क पे कहें दिलस मज वहम हूं द्राव तो ये क्या बस द्रा ना ना आज सुन कस आज अल्लाह तला सू बार गई मे सोरे क्या चलान। अब यहाँ हम आए हैं तो इस मौके को हम कैसे हाथ से जाने दे, मैं और मेरा कैमरामैन कुल्फी को जरूर टेस्ट करके ही यहाँ से जाएंगे। गर्मियों को मात देने के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है।